रेवाड़ी जेलर में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने खुद की मौत के जिम्मेदार लोगों से परेशान होने का जिक्र किया है। इस वीडियो को उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दिया है। साथ ही दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें एक पुलिस वाले को भी खुद की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह, ये जो अपने जो सोसाइटी जिसने कराया वो क्या लगता है आपका और क्या नाम है इसका? मेरे जीजा जी लगते हैं, नाम उनका देशराज था। क्या पूरा मामला है जो फांसी खाई है? मामला जी ये था, मैं एक पावर कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ से 4 बजे समथिंग में घर आया तो मैंने स्टेटस पे चेक किया, उसने स्टेटस डाल रखा था कि भाई मुझको टॉर्चर कर रहे हैं और मैं अपनी जान दे रहा हूँ। यहाँ पे सन सिटी में रेंट पे रहते थे वो, तो जो मकान मालिक है वो मालिक है, दो पुलिस वाले बताए उनको लेके दबाव बनाया, उस पर किराया उनका कुछ पेंडिंग था उस वजह से उनने दबाव में आके खुदकुशी कर ली। कौन कौन थे पुलिस वाले, क्या नाम लिख के गए? नाम तो जी उनने दीवार पर सुसाइड नोट लिख रखा है उनने। और ये मकान मालिक कौन है? ये विजय लक्ष्मी करके है, कोई कोसले निवासी, और उनके घरवाले के नाम शायद विजय करके ऐसा कुछ है। अब क्या चाहते हो आप? हम तो यही उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। शादी से बताइए। हाँ जी, दो बच्चे इनके छोटे छोटे। क्या काम करते हैं? ये कंपनी में अभी लगा था, बीच में छूट गई थी। नाम क्या है? उनका देशराज नाम। देशराज,